हरि ओम सैनाम। श्रुते स्मृते पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आद्य गुरु शंकराचार्य जी का यह स्थल श्री सोमनाथ त्रिवेणी संगम के सामने शारदापीठ के नाम से जाना जाता है। इस स्थल का नाम शारदापीठ है। प्रथमं पश्चिमाम्ना या द्वारका शारदापीठम उच्यते। आद्य गुरु शंकराचार्य जी भगवान ने जो चतुष्पीठ की स्थापना की उसमें से प्रथम पीठ द्वारका है, जो पश्चिम दिशा में स्थित है। द्वारका की स्थापना के समय ही कहा गया है कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी प्रभास तीर्थ क्षेत्र में भी पधारे और इस स्थल पर त्रिवेणी संगम के तट पर आकर के कामनाथ महादेव का पूजन अर्चन इत्यादि किया। और आदि गुरु शंकराचार्य जी को पूरे भारतवर्ष में सभी लोग ये जानते हैं कि आज हम हिंदू सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान शंकर के प्रति हमारी श्रद्धा निरंतर बनी हुई है। तो इसका मुख्य कारण जो है वो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ही हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब हमारा हिंदू सनातन धर्म पूर्णतया समाप्त होने पर था, उस समय आद्य गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कालड़ी में हुआ। और कालड़ी में जन्म लेते ही 8 वर्ष की आयु में ही वो घर का गृह त्याग करके भारत के हिंदुओं के रक्षा के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे लोगों में, इसके लिए निकल पड़े, संन्यास धारण किया, धर्मोपदेश किया। और धर्मोपदेश के साथ साथ भारत में, भारत की 2 बार परिक्रमा कहिए या सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कहिए, प्रचार प्रसार करते हुए हमारे हिंदू सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। और हिंदू सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का मतलब यही है कि हम फिर से हिंदू बने। फिर से हिंदू बनने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा था कि जब हम नहीं थे, हम अपने सनातन धर्म को छोड़ चुके थे। बौद्ध धर्म इत्यादि कई धर्म ऐसे थे जिनका हम पालन करने लगे। उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शंकर के ही अवतार कहे गए हैं, इसीलिए उनको शंकरम शंकराचार्यम कहा गया है। शंकर ही आचार्य के रूप में उपस्थित हुए, प्रकट हुए, इसलिए शंकराचार्य कहा गया है। और शंकराचार्य जी ने हमारे लिए ऐसे बहुत से कार्य किए जिससे हमारा धर्म पूर्णतया सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि हमारा धर्म, आज के समय में भी कहते हैं कि हमारा धर्म धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जबकि हम शंकर परंपरा के लोग हैं, इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं। क्योंकि पिछले वर्षों की भांति आज वर्तमान समय में देखिए कि हमारा धर्म अग्रसर ही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म को अग्रसर देख करके हमारे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भारत में वर्तमान 4 शंकराचार्य हैं। वर्तमान में कुछ समय पहले द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज नहीं रहे, उनके वर्तमान 2 शिष्य हैं। प्रथम बड़े शिष्य गुरु जी के बड़े स्वामी जी, जिनका नाम सदानंद सरस्वती जी महाराज है, और द्वारका शारदापीठ के शंकराचार्य बने। और छोटे स्वामी जी के नाम से जाने जाने वाले जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने हैं। भारत में जो 4 पीठ हैं उसमें से जो पूर्व में स्थापित गोवर्धन पीठ है, वहाँ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। दक्षिण में जो कर्नाटका में स्थित श्रृंगेरी शारदापीठ है, वहाँ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज हैं। 4 आचार्यों के स्वरूप में, शंकर परंपरा के ही आचार्यों के स्वरूप में हमारे भारत में वर्तमान 4 शंकराचार्य हैं। इसलिए हम सब का ये दायित्व है कि हमारे 4 जो मुख्य आचार्य हैं, 4 पीठों के आदि गुरु शंकराचार्य जी के पीठों के जो मुख्य आचार्य हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलें, उनका अनुकरण करें, यही हमारा धर्म है।
हरिओम 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 हर हर महादेव जय माँ शारदा हरिओम साई राम। धन्यवाद पंडित जी, आपका शुभ नाम पंडित जी? हमारा नाम पवन त्रिपाठी है। पंडित पवन त्रिपाठी, मैं शंकराचार्य पीठ द्वारका का ही विद्यार्थी रहा हूँ और अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में, और भगवान कामनाथ महादेव की जो बन सकता है सेवा करता हूँ। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव जय सोमनाथ हरिओम साई राम।